कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिओम हरिओम। गीता में शरणागति इसको ये आवाज कर रहे क्या? अच्छा, इस विषय पे सुनाई नहीं पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? हल्का हल्का। गीता में शरणागति ये विषय है। ये कनेक्टेड है क्या? ये अलग है क्या? सेंट्रल कोई बात नहीं, सब ऑफ हो जाएगा। कुछ तो आवाज़ आ रही है कहीं से, कहाँ से? तो सब ऑफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। गीता में शरणागति ये विषय है। हम लोग को अपने जीवन में ये पता लगाना होगा कि हमारी वास्तविक इच्छा क्या है और हमारी काल्पनिक इच्छा क्या है। हाँ, धन्यवाद। एक होती है वास्तविक इच्छा, एक होती है काल्पनिक इच्छा। जो हमारी काल्पनिक इच्छा है और वास्तविक इच्छा, उसको अंतर देखिएगा। जो इच्छा पूरी हो सके उसका नाम है वास्तविक इच्छा, और जो इच्छा पूरी ना हो सके उसका नाम है काल्पनिक इच्छा। हम बहुत संक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं, कितने नटशेल में बात पहुंच जाए। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है या पूरा जो हॉस्पिटल सिस्टम है, थिएटर है, फिल्म है, म्यूजिक है, आर्ट है, पुलिस सिस्टम है, इवन जो हमारे रिलेशंस है, संबंध है, सुनाई पड़ रहा है ठीक से? ठीक से। अच्छा, दो चीज के लिए बस, एक का नाम है सुख, दूसरी का नाम है सुरक्षा। हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी, और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल आपकी शरीर की सुरक्षा के लिए, थिएटर आपके सुख के लिए, संबंध आपके सुख और सुरक्षा दोनों के लिए। पति सुख और सुरक्षा दे, हालांकि देते नहीं, या पत्नी हमें कम से कम सुख दे, सुरक्षा दे, बेटे हमको सुख और सुरक्षा दें, घर हमको सुरक्षा दे, भोजन हमको सुख दे, सुरक्षा भी दे। आप कुछ भी सोचिए इस दिन, यू थिंक ऑफ एनी बडी। हम पढ़ लिए, लोग बोलते हैं भाई इनका पैकेज अच्छा है, ज्यादा पैसा है। पैसा इसलिए है क्योंकि पैसे से सुरक्षा सुख दोनों निकल सकता है, ऐसा उनका कहना है, हम नहीं बोल रहे हैं। पैसे से अच्छा घर खरीद सकते हैं, अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं, अच्छा भोजन ले सकते हैं, सुख ज्यादा हो गया, सुरक्षा ज्यादा हो गई, अच्छा यश निकल सकता है,
कोई गलत तो नहीं बात है, सही लग रही है सारी बात। वेद ने बोला, वेदांत ने बोला आपकी बात गलत है। बोले हम जो कहें सब गलती है। नहीं नहीं, आपको कौन सा सुख चाहिए? सुख में पांच बातें होनी चाहिए। जो सुख सब जगह हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सब वस्तु में हो, तीन हो गया। चौथा है काम करके सुख चाहिए कि बिना काम के सुख चाहिए? हमको तो बिना काम के चाहिए। पांचवी बात, बाहर का सुख चाहिए कि भीतर का सुख चाहिए? जो भौतिक सुख की अपेक्षा भावनात्मक सुख ज्यादा चाहिए। कोई जैसे भी खिलाए प्रेम से खिलाए, भावनात्मक से ज्यादा बौद्धिक सुख चाहिए और बौद्धिक से ज्यादा आध्यात्मिक सुख चाहिए। आप आगे वाले सुख को पीछे वाले सुख, आगे वाले को सुख को पीछे वाले सुख के लिए छोड़ दीजिएगा। बोले तुम्हारे साथ हम झोपड़ी में भी रह सकते हैं, जिसको पसंद नहीं करते उसके साथ महल में रहना मुश्किल है। भोजन कोई आदर के साथ दे तो बौद्धिक सुख हो गया। बेस कम कर दे, बेस कम कर दे। सुख सब जगह चाहिए, सब समय चाहिए, सब व्यक्ति से चाहिए, बिना काम किए चाहिए। क्या पांचवा कहता था? पांचवा बिना काम किया हो गया, अंदर का चाहिए। अब आप हमको बताइए, अगर हम किसी से आसक्त हो जाते हैं, हमें वही व्यक्ति पसंद आता है, हमने अपनी काल्पनिक इच्छा को बढ़ाया या वास्तविक इच्छा को? अगर काल्पनिक इच्छा हमारी बढ़ गई, पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें उसी से सुख मिल रहा, कहीं से सुख ही नहीं मिल रहा है। हमें बेटे से ही सुख मिला, पत्नी से ही सुख मिला, वो भी नहीं देते, या हमें धन से ही सुख मिला। संसारी वो है जो काल्पनिक इच्छा के पीछे भागे, और संत वह है जो वास्तविक इच्छा के पीछे भागे। भागेंगे दोनों ही। जब आप बोलते हैं सब समय चाहिए, सब जगह चाहिए, सब में चाहिए, बिना काम किए चाहिए, अंतरतम का सुख चाहिए, तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलते कि ईश्वर चाहिए? आप साफ साफ बोलिए उसको कि ईश्वर चाहिए हमको। गीता में इसी श्लोक को भगवान ने बोला, ये यथा माम प्रतिपद्यन्ते, क्या है, क्या है, तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार सब। बोले सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। बेस थोड़ा सा कम, बेस। अब आप हमको ये बताइए, प्यास तो है हमारी उस सुख की, और सुरक्षा की भी प्यास है। सुरक्षा मतलब हमारा फाइनेंशियल सुरक्षा हो, इमोशनल सिक्योरिटी भी, जिससे प्यार करें वो भी सुरक्षित रहे, हमारा प्यार भी सुरक्षित रहे। वाह वाह वाह, जिससे प्रेम करें वो सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहें, हमारा प्रेम भी सुरक्षित रहे, हमारा धन भी सुरक्षित रहे, घर भी सुरक्षित रहे, यश भी सुरक्षित रहे। अच्छा, ये पॉसिबल है? आप काल्पनिक सुख के बाद एक काल्पनिक सुरक्षा चाह रहे हैं। अगर आपको अपने आप को असुरक्षित करना है तो कहीं एक से प्रेम कर लीजिए, उसके बाद आप असुरक्षित हो जाइएगा। अब आपको डर लगेगा, चिंता हो गई, परेशानी हो गई। अरे इंद्र असुरक्षित हो जाते हैं, इंद्र असुरक्षित हो जाते हैं। आप भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िएगा। बृहस्पति जी की पत्नी को तारा ने किडनैप, चंद्रमा ने किडनैप कर लिया। ऐसा नहीं सब यहां होता है, वहां भी होता है। थोड़ा हाई लेवल का है। लोग कहते नहीं भाई, अमेरिका में हाई लेवल का करप्शन है, ये छोटा मोटा नहीं।
कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान काट दिया, हाँ सड़क पे, आपने धीरे से उसको प्रसाद पुस्तिका दिया। बोले यहाँ हाई लेवल का कनेक्ट करोशन। इंद्र ने विश्वरूप का सर काट दिया, भागवत में आता है। विश्वरूप के पीछे पहुंची ब्रह्म हत्या, वो भागे भागे फिर रहे थे। असुरक्षा की समस्या का समाधान नहीं होता सर, यू विल नेवर बी फ्री फ्रॉम इनसिक्योरिटी। आपको आसक्ति भी हो और सुरक्षा भी हो, अहंकार भी हो और सुरक्षा भी हो, कंस को नींद नहीं आती थी रात में, कंस को असुरक्षा थी, रावण को असुरक्षा थी। सीता जी को जब रावण अपहरण कर रहा था, वहां पे लिखा हुआ है जाके डर सुर असुर डराही, अन्न दिन नींद नींद भूख न जाही, रात निसी नींद न जाही, सो दससी स्वान की नहीं। डरते डरते सीता जी को पकड़ा उसने। इतने बड़े बड़े लोगों में असुरक्षा हो जाती है। दक्ष प्रजापति को शिव जी से असुरक्षा हो गई, कमाल है। फोन बंद कर ले, आसपास के लोगों को असुरक्षा हो जाएगी। तो ऐसा जीवन क्यों बनाना जिसमें हमें कुछ असुरक्षा हो। और आपने जहां एक जगह सुख बनाया, वहां आप अगर हम आपसे ही केवल प्यार करते हैं और किसी से नहीं करते, आपको उसके अलावा कहीं और आनंद आएगा? कोई बोल ही नहीं रहा है। हमें अपना बेटा सबसे अच्छा लगता है, मान लीजिए, तो आपको दूसरे का बेटा उतना अच्छा नहीं लगेगा? हाँ हाँ, फोन बंद कर दें, हेलो, बाद में बात करें। फोन बंद कर लीजिए आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भगवान से कॉल आए तो अलग बात है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इफ इट वॉज अ कॉल फ्रॉम गॉड, आई डोंट नो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा जीवन क्यों बनाए हम कि इनके साथ ही हमको मजा आता है, इनके साथ नहीं आता है। तो आप छटपटाएंगे फिर क्या होगा? अपने जीवन में दुख के कारण नहीं बनाना चाहिए। आप चाहे दुख का कारण और चाहे सुख का कार्य, ये कहीं होता है क्या? गैस स्टोव पर आप बैठ जाइए और आप सोचिए ठंडक लगे, ऐसा तो नहीं होगा। जलते हुए मतलब, अगर आप बैठ जाइए, हाँ फिर लगे ठंडक ही लगे, ऐसा तो नहीं होगा। खूब कड़वी चीज खा लीजिए, तीखी तीखी मिर्च, और लगे कि मीठा लगे, ये तो नहीं होगा। जीवन में जब आपने दुख के कारण बना लिया है, तो दुख बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म आएगा। आसक्ति है, द्वेष है, अहंकार है। जगत में कहीं से भी हम बहुत सुख लेंगे, वहां पे हमको दुख नया मिलेगा, क्योंकि वो चीज चली जाएगी या जाने का डर होगा, नहीं जाएगी तो। बोले स्वामी जी हाँ सब ठीक रहेगा ना हमारा परिवार? हाँ क्या बोला आपने? मेरा परिवार सब ठीक रहेगा ना? सच बोलेंगे झूठ? मैं सच ही बोली। नहीं, कोई परिवार बहुत देर तक ठीक नहीं रहेगा, सब अलग थलग नहीं हो जाएंगे? आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वो सब रहे क्या? परिवार में हर समय शांति रही क्या? उसका नाम ही परिवार, जहां वार हो चारों तरफ से। तो ये सब तो होगा ही, कभी कोई पैदा होगा, कभी किसी की मृत्यु होगी, कभी किसी को दर्द होगा, कभी किसी को बीमारी होगी। इम्पॉसिबिलिटी की बात मत करो यार,
शरणागति का पहला जो स्टेप है कि आप ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें पांच बातें हों, और ऐसी सुरक्षा चाहते हैं जिसमें सब जगह वो हमारी सुरक्षा बनी रहे। हमारी डिमांड नहीं ठीक रहेगी तो सप्लाई भी नहीं ठीक रहेगी। गलत सलत डिमांड रहेगी, कहां सप्लाई होगी? ईश्वर से सुख या आत्मा से सुख? और जगह आप सुख अगर चाहते हैं तो आप खुशी से ले लीजिए, दुख न निकले तो हमारा नाम अमुक अमुक नहीं है। फिर मत बोलिएगा कि दुख निकल रहा है। आप भोजन का बहुत सुख लीजिए तो बीमारी हो जाएगी। हर सुख में भगवान ने हल्का सा कुछ डाल दिया अच्छे से। लोग माला बढ़िया से पहनाते हैं, आपको लगता है कि बड़ी अच्छी माला है, सुख मिला ना, उसके साथ एक कैटरपिलर आता है। हाँ, वो जो है, हम तो पहले हुए थे माला, वो धीरे धीरे वो जो है निकला अपने, वो जो क्या मैरी गोल्ड होता है गेंदे का जो फूल है, उससे निकला, ऐसे ऐसे गया। हाँ, और कान में उसने कुछ करा, आपको लगता होगा बड़ा अच्छा है। फिर कभी कभी तो बेन्याई में चला गया, अंदर ही चला गया, अंतर्मुखी हो गया। अब हमने बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लोगों का क्या हुआ? अब उनको क्या पता? अब लोग, हम तो इतनी महंगी मांगल लाए, स्वामी तुरंत उतार दिया, आपको नहीं पता क्या अनुभव हमारा रहा, आपको कुछ नहीं पता हमारे बारे में क्या बीतती है हमारे। एक जने फ्रिज से ठंडी माला जो डाल दिया उन्होंने किसी घर घर, ठंडी ठंडी बर्फ वाली माला, बाप रे, और बोले पहने रखिए, फोटो ले रहे हैं। हमने कहा भगवान। आप खुद सोच लीजिएगा, आपने जहां जहां से सुख लिया है जीवन में, वहां से डर चिंता सुख मिला है? ऐसा नहीं करें नहीं मिला, थोड़ा सा उससे दुख मिला ज्यादा है, सुख मिला कम है। संसार नहीं मिले देने के सुख के लिए नहीं बना है, इट इज नॉट अ जॉय गिविंग सेंटर। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमा। आप गीता में से शरणागति ढूंढ ढूंढ के निकालिए जगह जगह से, इसीलिए हमने ऐसा विषय लिया। भगवान नवे अध्याय में बोला अनित्यम असुखम लोकम, इसमें सुख कहां से तुमको दिख गया? और जो जितना बड़ा बेवकूफ है, आप क्षमा करिएगा, उसको संसार में उतना सुख दिखेगा। बेवकूफी की जो निशानी है वो कहीं बहुत सुख दिखना है, कि जो शराब बन को शराब में ही सुख दिखता है। बोलते स्वामी जी, स्वामी जी शराब में नशा होता तो बोतलें नाचती। क्या नशा है? ओ पी ऊ के बढ़िया है ना, ये तो पी लिया, ये तो पिल लिया, ये तो पिल पिलो ले लिया। हाँ, और फिर जब सिरोसिस होगा ना, बढ़िया, जब डॉक्टर के पास आएंगे और फिर जब डॉक्टर कहेंगे ऑपरेशन करना है, 18% लीवर काम कर रहा है, तब हम पूछेंगे कौन नाच रहा है? हाँ, खूब बढ़िया, जो आपने घी वाला सामान खा लिया है, बढ़िया। हाँ, बोले क्या समोसा है, ओ लाओ भाई, ओ लाओ। और जो बढ़िया आपने खा लिया है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक होगा, हमें अच्छे, जहां बहुत अच्छा खाना देखते हैं ना, आप क्षमा करिएगा, हम जानते क्या दिखता है? डॉक्टर, हॉस्पिटल, आला, ऑपरेशन, दोनों साथ साथ दिखते रहते हैं उनका। सफेद कोट, अस्पताल, एनेस्थीसिया, ये सब दिखता रहता है, और यहां बढ़िया बड़ा दिख रहा है। प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत अच्छा कुछ मिठाई दिखते हैं, वो डेंटिस्ट दिखता है। आप हमको एक सुख बता दो। संसार सुख लेने की जगह नहीं है।
न संसार में आपको बहुत सुरक्षा मिलेगी। ऐसे नहीं बोला है भगवान ने भाई, नहीं नहीं हमको हमने बहुत सुख दिया, बहुत ज्यादा नहीं देंगे, या तो आप पहले जाएंगे तो वो जाएंगे, और जो भी जाएगा कष्ट जरूर आपको ही होगा। नहीं होगा कैसे? नहीं होगा कैसे? नहीं होगा। नहीं, हम सेमिनार कर रहे हैं, हाउ टू बी हैप्पी सेमिनार कर रहे हैं। हाँ, पैसा दिया है, 5,000 दिया है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर फ्री था। सेमिनार करो, और जिसने करवा उसने कहा आई एम वेरी सैड आफ्टर दिस सेमिनार, लोग ही नहीं है। जो सुख आपको हम एक बात बोलते हैं, एक तत्व है सृष्टि में, उसका नाम है प्यास, और एक तत्व उसका नाम है तृप्ति। जहां प्यास सुख देने की अनंत प्यास हो, और उसी सुख देने की अनंत प्यास में अनंत तृप्ति हो, उसका नाम होता है ईश्वर का प्रेम। धीरे बोली, जरा सा स्लो मोशन में बोलिए। जहां पे क्या बोला था हमने, हम खुद ही भूल गए। अरे वाह, जहां पे अनंत सुख देने की अनंत प्यास में ही अनंत तृप्ति हो, देर इज इनफाइनाइट डिजायर ऑफ गिविंग जॉय, एंड इन दैट डिजायर देर इज अ फुलफिलमेंट, दैट इज कॉल्ड ईश्वरी सुख। और जहां पे सीमित प्यास हो, और सीमित प्यास के बाद प्यासी बचे, तृप्ति ना बचे, उसका नाम संसार का सुख है। आप किसी घर गए, आइए स्वामी जी, आइए, कैसे हैं, कहां से आए? अरे वाह, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु, ये सब स्वागत किया। वाह वाह वाह, कितने अच्छे हैं आप, जैसा कोई बहुत आत कहां मिलते हैं। हाँ, एक बार हो गया, हम 2 दिन बाद फिर पहुंच गए। बोले आप आ गए? हमने कहा भाई भूत नहीं, हम ओरिजिनल हैं। अच्छा, अब पहली बार जो उन्होंने स्वागत किया था, इतना किया था, इस बार थोड़ा कम हो गया। बोले आज हमें जरा जल्दी है। अरे लेकिन आपने तो कल बहुत अच्छा खाना खिलाया था। तीसरी बार जब हम पहुंच गए, हम ऐसा करे नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं आपको उदाहरण देने, 2 दिन के बाद अच्छा फिर आ गए आप। अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए। अब उनकी जो प्यास थी कम हो जाती है, जब तक शादी नहीं होती ना बहुत प्यास होती है पति पत्नी की। हाँ, सारे फिल्म सॉन्ग उसी के पहले वाले होते हैं, बाद में ना गजल होती। पहले तो गाना फिल्म, अभी शादी नहीं हुई है तभी फिल्म सॉन्ग निकल रहा है। हाँ, तारे लाएंगे आसमान में तुम्हारी भौं तुम्हारी आंख कैसी है, ऐसा लग रहा है आकाश का एक तारा टूट के यहां गिर पड़ा। ये सब पता लगा लीजिएगा कि शादी नहीं है। और फिर शादी के 5-10-12 साल भजन, फिर 20 साल गजल, फिर भजन। 20 साल बाद फिर भजन शुरू। समझ में आ जाता है कि कितने साल, हम पूछते नहीं है, अपने आप हम गेस लगा लेते हैं। आप कोई बताइए जो भजन गजल में बॉलीवुड का गाना गाता हो शादी के 20 साल बाद, शायद दूसरे के लिए गाते होंगे। अपने वाले के लिए नहीं गाते यहां। हाँ, ऐसे ऐसे गाने भी हैं, मेरे सामने वाली खिड़की पर एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं है क्या? तुम्हारे यहाँ अमावस्या है क्या? सामने वाली खिड़की कहाँ पे आ गई? दुनिया में हर चीज बोरिंग है। जब आप पहली बार जाते हैं ना हवाई जहाज में, फर्स्ट टाइम मान लीजिए, बोले अच्छा विंडो सीट, क्या बात, हमें विंडो सीट दीजिएगा। हाँ, भाई साहब बगल में कहा सुनिए। हाँ, बोले क्या हुआ? बोले हवाई जहाज में ना देखिए लोग कितने छोटे छोटे चींटी की तरह हैं, कीड़े मकोड़े की तरह हैं। बगल में कहा कि कीड़े मकोड़े चली नहीं है अभी वो।
अच्छा हाँ, टेक ऑफ करी, अच्छा अच्छा अच्छा, और फिर वो आया लेके सामान एयरहोस्टेस, अच्छा नॉन वेज और वेज, ठीक है, हमको लगा पैसा देना पड़ेगा, तो बगल वाले ले लिया, बोले सुनिए पैसा नहीं देना, नहीं अच्छा हमको ये सुनिए, जब आप 10 बार 20 बार 30 बार 40 बार, हम तो कभी बैठते नहीं विंडो वाली खिड़की पे, ना इधर देखते ना उधर, नो डिस्टर्बेंस कर देते भाई चुपचाप। दुनिया में कहीं पे बहुत ज्यादा सुख आपको नहीं मिलेगा, और सुनिए सुरक्षा भी नहीं मिलेगी। जो आत्मा का सुख है, जो ईश्वर का सुख है, आपको उसको देखना पड़ेगा। हमने अभी अभी बोला अनंत ईश्वर के पास सुख देने की अनंत प्यास है। आप बताइए कैसे पता? पृथ्वी आपको सुख नहीं दे रही है, जैसे किसी की खुशी मुस्कुराहट से प्रकट होती है, हर आदमी का प्रेम अलग अलग तरह से प्रकट होता है, गुरु का प्रेम उसके शब्दों से समझाने से प्रकट होता है। बोले हमारे गुरु हमको बहुत प्यार करते हैं, कैसे पता? हमको खूब समझाते हैं। तदपि कही गुरु बार ही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। हाँ, पुत्र का प्रेम सेवा से प्रकट होता है, पत्नी का प्रेम क्रोध न करने से और संतोष से प्रकट होता है, पति का प्रेम सुरक्षा से प्रकट होता है, ईश्वर का प्रेम पूरी सृष्टि से प्रकट होता है। आप पृथ्वी पे नहीं बैठे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं, हवा नहीं चलती, कोई आपको आलिंगन करता है, सूरज की किरणें नहीं है, वो कोई आपको नहला रहा है अपने प्रेम के प्रकाश में, फ्री में हवा ले रहे हैं, हाँ लेते जाइए, अनंत उसके पास अनंत प्यास है सुख देने की। जो अनंत प्यास है ईश्वर के पास सुख देने की, जिस दिन आप इस प्यास से ट्यून हो जाइएगा, थोड़ा सा ट्यून होना समझते हैं ना, क्या क्या बोलिए, हमने किसी से कहा सुनो जरा एक गिलास पानी ले आओ, दो मिनट बाद खरबूजा ले आया, हमके पानी मांगा तुम, खरबूजा ले आए, वाटरमेलन ले आए, बोले आपने तो मांगा तो पानी तो इसी में है। हमने कहा ट्यून नहीं होता, ट्यून मतलब जो हम उसके भाव को पकड़ते हैं, जिस समय आप ईश्वर के इस भाव को पकड़ना शुरू करेंगे कि हमको भोजन भगवान कराता है, हम कमा के नहीं खाते, हमारी तबीयत ठीक है, ऐसा नहीं कि हम विटामिन बी सी डी लेते हैं, हमारी तबीयत भगवान ठीक रखते हैं। बोले हमारी खराब है, हमारी तबीयत भगवान ने खराब किया हुआ है, अच्छा किया जिससे उनका नाम लें। आप बोलो ईश्वर सर्वव्यापी है, हाँ तो बोलिए, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर आनंद स्वरूप है तो आनंद सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? और आनंद की अभिव्यक्ति को ही प्रेम बोलते हैं, अपने आनंद की अभिव्यक्ति को ही प्रेम बोलते हैं। जब आप अपने आनंद को दूसरे को देने का प्रयास करते हैं, उसी का नाम तो प्रेम है। दुखी आदमी प्रेम नहीं करेगा, ना 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 ना, दुखी क्यों, खुद ही परेशान है, मरा जा रहा है। जो हमारा आनंद है, जब हम आपको देना चाहते हैं, उसी का नाम तो प्रेम होता है। हाँ, हमारे अंदर बहुत आनंद और लगा कि नहीं आपको हम सुख देते हैं, सुख देने की इच्छा का नाम प्रेम होता है। हाँ, मान लीजिए कोई पत्नी पति से प्रेम करती है, मान लीजिए करती है, ऐसा नहीं नहीं करते हैं, और पत्नी नहीं प्रेम करती, पहले बोला किस लेते हैं, नहीं प्रेम करती, ठीक है, ऑफिस से पति महाराज आए, हाँ तो उसने कहा सुनो हाँ कुछ भूख लगी, बोले हर समय भूखी लगी रहती है आपको, ए कुछ बना दो भाई इनके लिए, नौकर से कहा, और जो पत्नी है वो व्हाट्सएप देख रही है, टीवी देख रही हैं, वो देख रही हैं कुछ फिल्म देख रही हैं, आप हमको बताइए, प्रेम मतलब सुख देने की प्यास, और सुख होगा अंदर तब सुख लेने की प्यास का नाम आ सकती है। तुमसे तुमने आपने बात ही नहीं किया, हमने आपने हमसे बात ही नहीं किया, उन्होंने हमको देखा नहीं,
हमको पैसे नहीं मिला ऑफिस से। जो सुख देने की ईश्वर की अनंत प्यास को पहचानने लगते हैं, इसका नाम होता है शरणागति का फर्स्ट स्टेप है। आपको ये बात कहीं न कहीं से पता लगनी चाहिए, भगवान ने हमको बहुत ज़्यादा सुख दिया है। एक बार हम बांके बिहारी गए, आप गए होंगे बांके बिहारी? नहीं गए? हुआ ये, बहुत भीड़ थी, पीछे खड़े थे, धक्का लग रहा था, हम चुपचाप खड़े थे। हमको लगा कि भगवान का ये माला है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे, आगे गोस्वामी जी दे देते नहीं तो। ओ जो उसके बाद, ये सच की घटना है, यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे, इसका मतलब नहीं बाद में बोलेंगे, हम जस्ट बता रहे हैं। तो वो गोस्वामी जी ने 2 मिनट के अंदर वो माला उठाई है भगवान के श्री विग्रह से, उन्होंने ऐसे किया और ऐसे फेंका। अब हमको लगा कि ले लिया जाए, लेकिन उछल कूद अच्छा ही लगता है इस ड्रेस में, कैसे बाकी लोग उछलने लगे, भाई उछल के ले लो। आपको विश्वास नहीं होगा, हम चुपचाप हाथ बांध के खड़े थे, वो माला ऐसे गई ऐसे गई, अपने आप गले में आई। जिस दिन आपको ये अनुभव होगा, ये तो हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं, हजारों बात हुई है, भगवान ने हमको बहुत सुख दिया है, मेरे कृष्ण ने मेरे राम ने हमको बहुत सुख दिया है। शरणागति ऐसे नहीं बनती है। पहली बार जब, पहली क्या, बचपन में गए थे 4-5 साल के, तो इतना तो भान था नहीं। जब हम 25 साल के 22 साल के थे तो गए वृंदावन, की बात करते हैं, बंदर ने चश्मा ले लिया, पता नहीं आपका लिया कि नहीं हुआ, नहीं लिया, निधि वन में गए थे और बंदर ने चश्मा ले लिया। हमारे साथ 50 लोग थे, सब गए दर्शन करने बिहारी जी का, हम बंदर के पीछे भागे, बोले चश्मा दे दो, लेके भाग गया, चश्मा तो मिला नहीं। हम जैसे पहुंचे बिहारी जी, पट बंद हो गए 12 बजे, उसके बाद अपने को बस से जाना था, सबका दर्शन हुआ हमारा ही नहीं हुआ। बस में बैठ गए, रोने लगे, हमने कहा हम कभी नहीं आएंगे। एक तो हम दर्शन चाहते थे, थोड़ा सा तुमने बंदर को भेजा, चश्मा हमारा ले लिया जिससे कि हम दर्शन ना कर पाए, और के भी चश्मा था उनका बंदर ने नहीं लिया, हमारी भी तुम बंदर लगा दिए, हमने क्या पाप किया है? सभी को लगता है हमने क्या पाप किया, हमको भी लगा। हमने कहा नहीं आएंगे जब तक तुम बुलाओगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, 2 महीने के अंदर एक जाने आए, बोले आपका हमारे साथ चलना है बियांका मेरी। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, बोले नहीं हमने टिकट करवा दिया। जीवन में बहुत सुख दिया है भगवान। कैसे दिया है? बहुत तरह से दिया है। कहाँ दिया है? बहुत जगह दिया है। जिसको ये अनुभूति गाढ़ी होने लगती है और हमें किसी से सुख चाहिए भी नहीं है, हमारा एक ही पति है, हमारा एक ही पिता है, हमारी एक ही माँ है, हमारे एक ही सखा है, हमारा एक ही गुरु है, हमें कोई नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी थे तो ट्रेन पे बहुत चलते थे। एक बार हम बैठे थे, यहाँ खिड़की थी और हम खिड़की की तरफ मुंह करके, जो साइड वाला, साइड वाली बेंच होती है, वहाँ बैठ के ध्यान कर रहे थे। यहाँ कोई टीम आई 15-20 लोगों की, उनका डिब्बा खुला, हम ध्यान में थे लेकिन डिब्बा तो समझ में आ जाता है, इतना भी नहीं ध्यान था, और बढ़िया से उसमें पूड़ी आई, कचौड़ी आई। इन लोगों ने बोला कि इनको पहले खिलाते हैं, सुनाई पड़ रहा था। फिर हमने यही सोचा कि सब दृश्य है, हम दृष्टा हैं, हमारा कोई संबंध नहीं है इससे, लेकिन बोला नहीं इनको खिलाते हैं पहले, फिर हम लोग खाते हैं। फिर लगा कि खा लिया जाए, ध्यान तो बाद में भी हो जाएगा। वो तो गई, ये तो ध्यान तो फिर कर लेंगे, लेकिन नहीं किया ऐसा।
हम बैठे रहे एक घंटे, 7 से 8 साढ़े 8 बजे तक ऐसे बैठे थे। आपको विश्वास नहीं होगा, 15 लोग जो कि परिचित नहीं थे प्रतीक्षा कर रहे थे। आपको भी भगवान ने बहुत सुख दिया होगा। अगर सुख नहीं देते आप यहां विराजमान नहीं होते। अगर हमको ना देते तो हम यहां नहीं बैठते। हमको देखना नहीं आया। जैसे हर आदमी को खाना बनाना नहीं आता, अच्छा हर आदमी अच्छा खाना लोगों को लगता है कि अच्छा बनाए, लेकिन जो खाने वाले उससे पूछो, किसी का बोले हमने बहुत मेहनत से बनाया, बोले हम भी बहुत मेहनत से खा रहे हैं। बहुत कम लोग अच्छी ड्राइविंग जानते हैं। हाँ, वो सब ये सब अंदर की चीजें हैं। ऐसा गाड़ी चलाते हैं कि मतलब भगवान का जो स्मरण आता है, ये भगवान अब बचे, अरे राम रे, मतलब हमारे नाम लेकर पुण्य उसको जाएगा। जीवन में जिस दिन आपको ये अनुभव होगा कि हमको सब कुछ हमारे भगवान ने बहुत ज्यादा दिया है, हमारे गुरुदेव हमको गले लगा दिए थे बचपन में ही, उन्होंने हम यहाँ खड़े थे 10 साल की उम्र होगी, उन्होंने हमको, हम तो डर रहे थे पास आने में, उन्होंने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के दोनों हाथ से ऐसे लगा लिया। और उस दिन वहाँ पे कम से कम 150 बच्चे थे, किसी को ऐसे नहीं गले लगाया जैसे हमको लगा लिया। जो चीज़ आपको मिली है और किसी को नहीं मिली होती है ना, वहाँ पे प्रेम का एहसास ज़्यादा होता है। हाँ तो बोलिए आप। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिला है, हमने आदत नहीं डाली देखने की। जब किसी से बहुत प्यार मिलता है, हमें और किसी का प्यार नहीं चाहिए। किसी को कल गीता में बोला था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये भक्ति इज मोर रियलाइजिंग। आप नहीं बोल सकते कि ईश्वर ने आपको वही दिया है जो आप डिजर्व करते थे। नो, आप बहुत सी चीज डिजर्व नहीं करते थे। ईमानदारी से सोचिएगा, बहुत सी गलतियां हुई जिसके बारे में आप जानते हैं लेकिन कोई नहीं जानता, उसका फल भगवान ने नहीं दिया ठीक से। अगर देना शुरू कर दें तो चटनी बन जाए। यहाँ कोकोनट चटनी काफ़ी पॉपुलर है। नारियल की चटनी जो मिल रही है ना, अपनी बन जाएगी। हम आपसे निवेदन करते हैं ये अनुभव बढ़ाई जाए। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसकी अनंत प्यास है। उसने आपके बहुत ढेर सारे दुख को कम कर दिया है भैया। ये अनुभव यशोदा जी को हुआ जब वो, और नंद बाबा उनका नाम था वसु और द्रोण, भागवत में आता है। जानते हैं क्या, जब दूसरे के प्रेम को व्यक्ति देखता है उसके बाद उसके अंदर लगता है। मान लीजिए आपको कोई भोजन पे 2 बार बुलाए, 3 बार बुलाए, 3 बार कोई आपको लंच पे बुलाता है, बोलिए आपको भी लगता है भाई उनके यहाँ गए 3 बार, 1 बार तो बुलाया जाए। खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेंगे लेकिन बुलाया तो जाए उनको भी। हम लोग बार बार लेते रहेंगे क्या वहां से? हाँ तो बोलिए। कोई आपसे 4 बार मुस्कुरा के बात करे, भले आप बहुत सीरियस पर्सन हो, 5वीं बार आपको भी लगेगा नहीं ये बड़े अच्छे बने। ईश्वर की जब आपने प्यास को देखा, आप ये, आपको ये दिखाई पड़ता है ईश्वर का, और जगत का ये नहीं दिखाई पड़ता। हमको तो यही दिखाई पड़ता है, आई डोंट वॉन्ट यू, जाओ जाओ यहां से। एक ये है, एक ये है। ईश्वर ने बुलाया, हमारी प्यास बढ़ गई।
क्या देख के उसकी प्यास? कोई गले लगने के लिए आगे बढ़ता है, हमारा भी हाथ बढ़ जाता है। कोई बोले नहीं सुनिए हम एक बार पैर दबा दें आपका, नहीं 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 प्लीज एक बार, नहीं 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 एक बार, 10-20 बार जब कहता है तो उसकी इच्छा को देख के अपने अंदर इच्छा आती है, अच्छा ठीक है तुम पैर दबा लो आज, हम आपको कुछ खिला दें, नहीं हम नहीं खाते मीठा नहीं खाते, अच्छा नहीं हम लेकिन नहीं नहीं खाते, नहीं ओ सॉरी क्या हुआ आप क्यों नहीं खाते, लेकिन हम पूड़ी बना के लाए हैं, सॉरी 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 नहीं खाते, अच्छा ले आओ ले आओ थोड़ा सा दे देना। ईश्वर की प्यास को देख के आपकी प्यास बढ़ेगी। कहते हैं गुरु भक्ति कैसे बढ़ती है, गुरु के सुख देने की प्यास को देख के हमारी सेवा करने की प्यास बढ़ जाती है। हाँ तो बोलिए, अगर गुरु से आपको बहुत सुख ना मिला हो, होता है भाई, आपको भी बहुत सेवा करने का मन नहीं करता है, जिंदगी में उसी संबंध में मजा आता है जहां दो प्यास का संगम होता है। ईश्वर की अनंत प्यास में तृप्ति होती है, अब हमारे में भी वही प्यास रहेगी, इसका नाम भक्ति होती। क्यों यशोदा जी को लगा कि भगवान कृष्ण हमारे बच्चे बने, बोलिए ना, बोले उनको हम दूध पिलाएंगे, उनको गोद में खिलाएंगे, उनका रोज बाल ठीक करेंगे, बच्चे के रूप में उनको यहाँ पे एक टीका लगाते हैं ना, नज़र ना लगे, हाँ बच्चों तक, क्योंकि बच्चे सुंदर लगते हैं, बाद में आप मत लगाइएगा तो, हाँ ऐसा चेहरा कौन लग, सवाल ही नहीं उठता नज़र लगने का, तो बच्चों के टीका लगाते हैं, बोले हमारी यही प्यास है, एक बार आप भागवत पढ़िए ना, धरा द्रोण थे, उन्होंने तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या चाहिए, बोले हमें भगवान बच्चे के रूप मिले, और वो भगवान जो देवकी के यहाँ पैदा हुए थे वो आए इनके पास, आप नहीं जाते कहीं, पैसा आपके पास नहीं आता, आपके पास आता आप नहीं जाते, भगवान आते हैं। और यशोदा जी सो रही थी, सोती हुई यशोदा जी को भगवान जगा देते हैं, देखो प्यास देखो, ईश्वर की प्यास देखो, जगा देते हैं, रोते हैं, उनके रोदन में भी प्रमोदन है, शरणागति देखिए, यशोदा जी जाग जाती हैं, उनको खूब अच्छे से नहलाती हैं, आपने नहलाया, आपको लगा कि हम भगवान को नहला दें, आपको लगा कि हम आज भगवान को नहीं स्नान करवाए, आपको लगा हमने आज कपड़ा नहीं पहनाया, आपको लगा कि हमने उनका बाल नहीं ठीक किया, बच्चा बाहर जाता है ना, माँ के इधर बाल ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ठीक है ऐसे करो, हाँ अब गड़बड़ मत करना, हाँ ठीक है ये पाउडर लगाओ, ये क्या लगा दिया तुमने, हटो पोछो उसको, हटो ठीक करो ठीक करो, हाँ अब ठीक है पाउडर लगाओ, और ढेर सारा ऐसे ऐसे पाउडर ऐसे ऐसे लगा देते आप चारों तरफ, पाउडर ही पाउडर हो जाता है चेहरे पे, देखा होगा आपने, हाँ ये अपना गुड्डे की तरह आ जाता है सामने, हाँ और फिर कुछ गड़बड़ करता है, आपने भगवान को कुछ लगाया, आपने भगवान के कभी बाल ऐसे ठीक किया, आपने कभी भगवान के सर पे हाथ रखा, आपने भगवान के हाथ को पकड़ा, तो ये प्यास है ना, किसी का तो हाथ पकड़ा ही होगा, किसी के बाल पे सर रखा ही, सर पे बाल रखा ही होगा, किसी को तो खिलाया ही होगा, जो ईश्वर को सुख देने की प्यास थी यशोदा जी की, दिन रात उनके मन में एक ही प्रश्न, भगवान कृष्ण की बहुत बाल लीला नहीं देख पाती थी वो, क्यों, उनके लिए मक्खन बनाना था, उनके लिए मिश्री बनाना था, उनके कपड़ा ठीक करना था, उनका बिस्तर ठीक करना था, कभी आपने ऐसे खिलाया भगवान को, कभी आप कभी उनके पास जाके, अरे बोले खाना उठे नहीं अभी तो, उठो उठो उठो, उखल बंधन आपने सुना होगा, उखल बंधन है, भगवान पीछे से ये मत्ती रहती हैं मक्खन, और पीछे से भगवान आ जाते हैं, हम कहा दो मिनट, फिर वो कान्हा सामने आ जाते हैं, सामने ऊपर, और चढ़ जाते हैं, उनका दूध पीने लगते हैं,
प्यासा ईश्वर, आपने प्यासा ईश्वर बनाया, अपनी प्यास से ईश्वर को प्यासा बनाया। आपके घर में मूर्ति है, मूर्ति है कि नहीं भगवान की, बोलिए ना, है? भूखी रहती है कि नहीं? कभी नहीं रहती, तो क्या फायदा? तो स्टैचू है फिर। अगर मूर्ति में भूख ना आए और मूर्ति में आकार ना बदले और मूर्ति में कभी प्रेम से कुछ मुस्कुराहट ना आए और मूर्ति कभी डांटे ना, तो क्या है फिर? वो तो बेकार हो गई ना, उसकी प्यास नहीं दिखी आपको। मूर्ति में मुस्कुराहट आ जाती है, मूर्ति हंस देती है। हमने मूर्ति को पानी पिलाया हुआ है, हमने देखा है दूध पिलाते हुए लोगों को, खाना खिलाते हुए लोगों को, मूर्ति खा लेती है। ऐसी नहीं होती है। जैसे माँ, जैसे ना अब किसी को नहीं जानते, किसी घर पहुंच गए तो आप नहीं बोलेगा, नहीं कुछ खाइएगा, नहीं नहीं ठीक है, इट्स ओके, व्हाट यू लाइक टू हैव, ठीक है, सॉरी, खा क्या, हाँ ठीक है, क्या खाइएगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। घर में जाइएगा, मम्मी 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 क्या भूख लगे, बना रहे, रुको, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे। आपको भूख आप कहाँ लगती है? जहाँ अपनापन ज्यादा होता है वहां तो आप बोलेंगे भूख लगेगी हमको, जहाँ अपनापन बोले नहीं नहीं ठीक है खाया खा लिया, वहां भूख नहीं लगती उतनी, लगी रहती लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब भगवान किसी से प्रसन्न होते हैं उसके सामने भूखे होके आते हैं। यशोदा माँ के सामने भगवान कृष्ण को हमेशा ही भूखे लगी रहती रहती, बोले माँ 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 क्या हुआ, मक्खन खा रहे हैं। अरे अनंत ब्रह्मांड का नायक है, उसको मक्खन की जरूरत है। जिसके कण कण में ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो एक मक्खन खाएगा, और वो छोटे से बाल गोपाल, लंबे लंबे बाल, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे आंखें होती थी उनके, हाँ अपनी वाली की तरह नहीं कि बंद हो गई यहाँ पे, ऐसा नहीं, ऐसे करके यहां तक जाती थी उनकी आंखें, बड़ी भी होती थी और चौड़ी भी होती थी। डांस में ऐसे करते ऐसे, ये है ना, हमारी मत देखिएगा वो। और भगवान ने क्या किया, मक्खन में हाथ डाल दिया, छोटे से तो है, उन जो बच्चों के हाथ होते हैं ना जैसे गद्दे की तरह होते हैं, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगली, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी उंगली, छोटे छोटे पैर, वो हाथ डाल देते हैं, माँ पकड़ लेती हैं, का काना ये क्या हो रहा है, कहा माँ 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 क्या ये अपने कंगन पहना दिया, बहुत गर्म है ये कंगन, बहुत गर्म लग, उसी को ठंडा कर रहे हैं, उनको जोर बोलने की जरूरत है। का अच्छा एक बात बताओ काना, मुंह में इतना मक्खन लगा ये कहां से लगा, यहां तो कहीं कंगन नहीं है। कहा माँ 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 मक्खी आ रही थी ना, मक्खी को हमने ऐसा कर दिया। यशोदा माँ को हंसी आ गई, थोड़ी सी हंसी, उन्होंने ऐसे करके रोक लिया और फिर धीरे से चली गई, हाँ, और कमरे के कोने से माँ लोग ऐसे झांक के देखते, पता नहीं आपने झांक के देखा, ऐसे झांक के नहीं देखा, बच्चों को झांक के देखा होगा, ये ऐसे ऐसे करते हैं चारों तरफ, चंचल लोचनाय नमः, जितना ब्रह्म स्थिर उतनी ये चंचल आंख, कभी ऐसे जाए कभी ऐसे जाए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, हाँ हाँ, और धीरे से हाथ चले जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और खा लिया, निकाल के जल्दी दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया। हम लोग के लिए नहीं खाएंगे, क्यों? तुम खिलाते ही नहीं, आप रखे रहिएगा, नहीं खाएंगे ये। जब तक कि हम प्यासे नहीं होते ईश्वर के, प्यासे मतलब है उनको सुख देने के, उनको प्रेम देने के, उनको पानी पिलाने के, उनके सामने नाचने के। राम सुखदास जी का नाम सुना होगा आपने, राजस्थान के बच्चे बहुत बड़े संत हुए, वो भगवान के पास जाके मंदिर, वहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, साड़ी पहन लेते थे और नाचते थे। गोपी मतलब ही है जिसमें प्यास हो, और वो प्यास आती है, ध्यान देखिएगा,
कहीं ना कहीं तो प्यास सही है, संसार की प्यास है। बेटा पढ़ के बड़ा हो जाए, अच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए बेटे से, खुश रहे स्वामी जी कहीं पर भी, अच्छा खुश रहे कहीं पर भी, जहां भी रहे, जहां भी शादी कर ले, खुश रहे बस। लड़की खुश रहे बस, अच्छा हाँ, हमें नहीं चाहिए कि बहू हमारी सेवा करे, हमें नहीं चाहिए बहू वगैरह की सेवा। स्वामी जी भाई अपना रहे, हमने कहा भाई तुम लोग रह लो, जहां अच्छा लगे वहीं रह लो, घर तो छोटा पड़ेगा, तुम कहीं भी रह लो, खुशी जहां तुम्हारी रहे, हमने तो कुछ नहीं मांगा तुमसे। हमको प्यास नहीं है। अच्छा हाँ, पति आज फिर लेट आए, आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी, 9 बजे रात आ रहे हैं, हम तब से तैयार होके बैठे हुए हैं, वो आए बोले सुनो चलते हैं। कहाँ चलेंगे अब, सब दुकान बंद हो गई, मंदिर जाना तो वहां बंद हो गया, मंदिर में जाके प्रार्थना करना था कि अगले जन्म में ऐसा ना हो, तो वो और वो अब हमें अब क्या करें, कब से राह देख रहे हैं। बोले सुनो मैं भूल गया था, क्या एनिवर्सरी है, भूल गया तुम्हारी बर्थडे भी आज, ओ माय गॉड। पति ने कहा, बोले आपको तो नहीं याद रहेगा ना, आपको पता है ना हमारी बर्थडे भी नहीं आपको याद नहीं रही। तो पति बहुत ही बुद्धिमान था, कहा तुम्हारा चेहरा कभी लगता ही नहीं कि एज बढ़ रही है। हाँ देखिए ये बता रहे हैं, ये टिप्स है, अगर आप भूल जाए It doesn't appear your age is increasing. I don't see your birthday. कहाँ से बढ़ती लगती नहीं है। पत्नी खुश हो गई, उनको तो यही सुनना है भाई, स्त्रियों को यही सुनना है कि तुम्हारी एज तो वैसे ही है, लुकिंग सेम। सबको नहीं, हाँ नहीं, जब आप संसार में तो प्यास होगी ना, बेटा पढ़ ले, बहू ऐसी हो जाए, हमारे पास पैसा हो जाए, यश हो जाए, प्यास तो होगी। सारी प्यास में तृप्ति नहीं है, उसमें पस है, वो दुख देगी। यहां भगवान को तैयार करती थी यशोदा जी, खिलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, माला पहनाती थी, फिर क्या करती थी बताइए, आखिरी में उनको भेजना होता था गाय चरने के लिए, क्या करती थी, खूब गले लगाती थी, बोले कन्हैया फिर हम तुमको आज नहीं देख पाएंगे। नंद बाबा कहते थे सुनो यशोदा, यशोदा देर हो रही है। कहा जा रहे हो, कहा ना, कहा ये खा लेना, हाँ खा लेना, मधुमंगल मधुमंगल इधर आओ, मधुमंगल उनके दोस्त मित्र थे। कहा सुनो ये खिला जरूर देना। कहा हाँ खिला लेंगे। कहा ना आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में म्यारो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन से काम चलाए मदन गोपाल। वो जाती रहती थी काना, और नंद बाबा खड़े रहते थे बाहर ही ऐसे, कहे बाबा अंदर आ जाओ, बोले नहीं आएगा, नहीं बोले 4 बजे आएगा, तो 10 ही बजा है, 12 बजा है। आप प्यासे हैं, प्यास है ना किसी की। वापस आ गए, भागो भागो, आए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। भगवान बड़े हो जाते हैं, गोपियों की प्यास थी, नंद बाबा की प्यास थी। एक एक गोपी के घर जाते थे भगवान, हाँ जाते, क्या दृश्य रहता था, गोपी अंदर से ढके, बोले भाग जाओ, भाग भागो भागो यहां से, बोले नहीं हमारा घर, बोले भागो, दोनों तरफ से पुश हो रहा है। तो भगवान कहे ठीक हम जा रहे हैं, चले गए। कहा सुनो सुनो, काना 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 गिर जाती है,
भागते भागते गिरती है, कहा उठा दो, काम तो आ रहे थे तुम्हारे, तुमने तो रोक दिया। कहा नहीं काना, इसी बहाने तुमको पकड़ते हैं, तुमसे खेलते हैं, आओ हमारे पास। अगर आपके अंदर भगवान के नाम की प्यास न हो, रूप की प्यास न हो, सत्संग की प्यास न हो, कहीं तो बाहर दौड़ना पड़ेगा। और बाहर तो ऐसे होता है, ले ले, हमसे सुख चाह रहे थे ना, हाँ नहीं देंगे तुमको, नहीं दोगे। एक गोपी होती मटका लेके जाती रहती है, भगवान का तरीका है, पानी भी भरती है बेचारी, ओ मारा उसने भगवान ने, अब तो भगवान को एक कंकड़ में, पूरी गोपी ऐसे गीली हो गई, देखा उसने बाल हटा के, ये ताली बजा के हंस रहे थे। आप उस हंसते हुए भगवान को देखिए। बोले काना बहुत गलत बात, हमारे पास अब नहीं दूसरी मटकी, हम क्या करें। ऐसे ऐसे मुस्कुराते मुस्कुराते आते, खूब झगड़ा होता है दोनों में, हमारे पास नहीं है घर में और मटके, हम कहां से लाएं, हमारे पास पानी नहीं है, खूब चिल्लाया। हाथ पकड़ लिया भगवान ने, हाँ और मुरोड़ दिया ऐसे, पनघट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी। वो पैया पड़ती है, वो पैर पे पड़ जाती है, भगवान भाग जाते हैं, कहा काना रुक जाओ रुक जाओ, ये प्यास है ना, इसी का नाम भक्ति होती है। अच्छा नहीं लगता प्यास होने पे, सारी प्यास उनको चाहिए बाहर से, लेकिन इस प्यास में बस कृष्ण का ही नाम प्यास हो जाता है। हमें प्यासी दो, प्यास दो, प्यास दो, हमें अपनी प्यास दो। प्यास बहुत पुण्य के बाद आती है, एक ही प्यास, यही भगवान इसी प्यास को देख के फिर हमको सुरक्षा देते हैं। कुछ नहीं है संसार में, गोपी गीता आप लोग पढ़ते होंगे, जब भगवान छिप जाते हैं गोपियां भार मार बोलती हैं, वापस आ जाओ। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोज्ञया पुष्करी क्षण विधि करी रिमा वीर मुयति अधर सीधुना प्यायस्वनः। बोले तुम इतना मधुर बोलते हो कृष्ण, जब तुम बोलते हो ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मधुर मतलब कि शहद हमारे ऊपर बरस रहा हो। जानते गीता में कैसे बोला इन सब बातों को, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम पार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। बोले मत चित्ता, जिसका मन हमारे में लगा रहे, मन हमारे में लगा रहे, बुद्धि हमारी में लगी रहे, मन तो वहीं लगता है ना, जहां कोई अच्छा लगता है तो वहीं मन लगता है। अगर मान लीजिए आपको हम अच्छे लगे, मान लीजिए, जरूरी नहीं है, मान लीजिए, तो आपका मन हमारे में लगा होगा कि स्वामी जी कहाँ हैं, कैसे हैं, कब खाए, क्या नहीं खाए। हम उदाहरण दे रहे हैं, आप चिंता न करिए, मुझे हमारा नहीं लगता कोई बात। मत चिंता मतलब जहां पे मन वैसे घुल जाए, इसे चाशनी बनती है, चाशनी, चाशनी क्या बोलते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या बोलते हैं चाशनी को, हाँ जो भी है, जैसे चाशनी बनती है, चाशनी में कुछ चीज आप मूंगफली डालते हैं पूरे घुल मिल जाती है, उसी तरह से हमारा मन में कृष्ण की चाशनी बन गई, राम जी की चाशनी बन गई, भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, मत चित्ता हो गया, मत गतप प्राणा हो गया, हमारा प्राण चला गया,
उसके साथ ही साथ चला गया। हाँ, किसी से आप बहुत प्यार करते हैं ना, और जब बात करते हैं फोन पे तो क्या पूछते हैं, बोलिए ना क्या पूछते हैं? कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ, ना ना ना, क्या कर रहे हो? अरे आप इतने चुप हैं, इससे आपने पूछा नहीं था। आप पूछे होंगे, बाद में पता लगा कि झूठ बोल रहा था, तो क्या बोल रही। वो आपने किसी से पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोले खाना खा रहे। ओह अच्छा अच्छा, क्या खा रहे हो? अरे दिमाग मत खो, हम खा रहे हैं, हम फोन करते हैं तुमको बाद में। जब आपका मन भगवान में लगेगा, मत गतप प्राणा बोधयंता, परस्पर हम आपस में बात करती रहती हैं गोपियां, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। बोले कृष्ण जब आते हैं, और जब कभी कभी अपने उनकी अलका होती है, ऐसे ऐसी अलका पता ना, जो बाल है जो आप आर्टिफिशियली ऐसे करते हैं, जो लोग ऐसे बाल ठीक करते हैं, फिर उस कोम को लेके कंघे को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जो आप ऐसे करते हैं, भगवान का वो नेचुरल था ऐसा, उनकी ऐसी ऐसी अलका ऐसे लटकती रहती थी। हाँ, उनके बाल को लगता था गाल छोले, बाल थे काले गाल थे सांवले। हाँ, तो उनकी जो अलका थी, कभी कभी भगवान ऐसे कर लेते थे। हाँ, और बोले जब ऐसे करते कितने अच्छे लगते ना, जब भगवान ऐसे चलते कितने अच्छे लगते ना, इसी को बोलते हैं बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। और जानते ईश्वर क्या करता है? ईश्वर जब देखता है हमारा बड़ा स्मरण करता है, भाई क्या करा जाए, इसकी सुख, इसने हमसे ही सुख है, हमसे ही सुरक्षा ना, हम देखेंगे कि इसका वो सुख कौन सा वास्तविक वाला, और वास्तविक सुरक्षा मिल जाए। हाँ, एक पंडित जी थे, हनुमान जी को रोज कथा सुनाते थे, पैसा तो था नहीं, हनुमान जी भाग भी नहीं पाते थे। ऑडियंस तो भाग जाए भाई, कल आए आज नहीं आए, हनुमान जी खड़े, अब कथा खत्म हो गई, बेचारे अपना लपेट उपेट रहे थे, अब उनको लगा दक्षिणा भी दें, थोड़ा गाय दक्षिणा दें, तो हनुमान जी ने आकाशवाणी किया, कल 1,000 रुपये तुमको दे देंगे। 100 साल पहले की बात है। एक दूसरा कोई आदमी आया, उसने कहा कल तो बहुत मिलेगा, ये सुना नहीं, इन्होंने सुना नहीं, जो बोलने वाले थे उनको सुना ही नहीं पड़ा, अपना लपेट नहीं मिले थे। उसने सुन लिया, कहा पंडित जी क्या है, कल जितना मिलेगा उसमें से आधा हम ले लेंगे, उसका पूरा हम ले लेंगे, आज आप हमारा ले लीजिए। तो 500 रुपये उसने दे दिया, उसको लगा कि प्रॉफिट हो जाएगा ये 500 का। तो अगले दिन वो आ गया, कथा सुना, कुछ दिया नहीं हनुमान जी ने, ये बेचारे चल दिए पंडित जी, ये गए हनुमान जी को मारा, उसने एक मुक्का मारा, ये जो दूसरा आदमी था उसका हाथ फंस गया, देखो मारो जहां पे जीत सको। हनुमान जी से आप मत लग, हाँ वो हाथ फंस गया, कहा तुम भी झूठ बोलते हो आजकल। हनुमान जी ने कहा सुनो, हमने उसको 1,000 बोला, तुमने 500 दिया, आज और 500। ये तो जब आप ईश्वर से सुख लेते हैं, ईश्वर पर ही आश्रित होते हैं, तब भगवान कहता है हम तुमको बहुत सुख देंगे, हम तुमको अपने हाथ से खाना खिलाएंगे, हम तुमको बहुत प्यार देंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शरणागति तब पूरी होती, कहीं से सुरक्षा नहीं निकलेगी संसार में, कहीं से बहुत सिक्योरिटी नहीं निकलती, ऐसा नहीं होगा। अर्जुन एक बार आए, और भीम, अब हनुमान जी और अर्जुन की मुलाकात हो गई। हनुमान जी ने कहा कि अर्जुन ने कहा भगवान एक बात बताओ, ये भगवान ने क्यों सेतु बनाया, हम बाण से ही सेतु बना देते। हनुमान जी ऐसे हंस, क्या हंस क्यों रहे हैं आप, समझ गए क्यों हंस रहे हैं? बोले हम चलेंगे टूट जाएगा वो। कहा नहीं टूटेगा। दोनों नदी के पास गए, तो इन्होंने अपने बाण से सेतु बना दिया। किसने? अर्जुन जी ने। और हनुमान जी, हम चले रेडी? बोले हाँ हाँ चलिए। और हनुमान जी जैसे ही चले, धाम चर, वो जो सेतु ऐसे बना था ऐसे हो गया, अब टूटने ही टूट के गिरने ही वाला था। अर्जुन ने भगवान को याद किया, बोले भगवान बचाओ, हमारी इज्जत को बचा लो, ऐसे रह के टूटा नहीं।
हनुमान जी वापस आ गए, अर्जुन मुस्कुरा दिए, क्या देखा का एक काम करते हैं, कृष्ण को बुलाते हैं। जैसे ही भगवान आए पूरे पीठ में खूनी खून, क्योंकि वो नीचे आ गए थे उसके। भगवान कृष्ण ने अपनी पीठ के बल से उसको रोक दिया, लेकिन उससे उनके पूरे पीठ पे उसका जो नुकीला भाग था वो गिर गया। कहा अर्जुन देखा हम उसको मैया सख्य मना पार था योगम युंजन मद आश्रय, हमारे आश्रय में रहो। जब आपका ऐसा अनुभव होगा आप कहां जाइएगा, किसी के साथ आप रहे और उसने इतनी सुरक्षा दिया। सुरक्षा का दो ही सोर्स है, या तो धर्म या तो उपासना या तो ईश्वर। धर्म से कुछ सुरक्षा निकलती है और भक्ति से पूरी सुरक्षा निकल आती है। ऐसे नहीं निकलती सुरक्षा, और कोई होता जितना भी अच्छा कर्म फल हो कहीं न कहीं से डर आ जाता है। डरा जाता है? हाँ डरा जाता है। कहां से? कहीं ना कहीं से। वो जितना जो ईश्वर का प्यासा होता है, ईश्वर उसको सुरक्षा देने का प्यासा होता है। जब द्रौपदी वनवास में थी, सुना होगा आपने, दुर्वासा ऋषि आ गए थे, सुना है ना आप, 80,000 शिष्य के साथ आ गए, बोले खाना बनाओ। उनके पास वो थी एक अक्षय पात्र था। अब यहां द्रौपदी रोने लगी क्योंकि वो श्राप दे देंगे दुर्वासा है। क्या किया? भगवान नहीं रहते थे वहां, क्या किया? हे द्वारका ना, हम मर जाएंगे आज, आओ भगवान हम मर जाएंगे आज, हम बर्बाद हो जाएंगे, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो आज, भगवान बचा लो। बाहर से आवाज आई, कृष्णे, कृष्णे। बाहर आई वही लंबे बाल, कहा क्या हुआ? कहा हमको भूख लगी है। उनको लगा आज सारे भूख वाले ही आ रहे हैं। कहा सब खा लिया है? कहा नहीं खाया है। पात्र लाओ, उसमें एक साग, महाभारत में आती है कथा, बहुत लंबी। और भगवान ने खाया, और वहां जो 80,000 लोग थे, ऐसा पेट में उनके दर्द शुरू हुआ, उन्होंने पुदीन हरा मंगवाया, मिला नहीं उनको डाइजीन पुदीन हरा के, बस कान जो कुछ भी होता है। सब भागे, भगवान खा रहे थे। कहा कृष्ण जो हमने खाया सबको, सबने उसको खा लिया, आपको पैसा सुरक्षित नहीं करेगा। आपको पति पत्नी बेटे सुरक्षित नहीं करेंगे। आपकी जो इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई है ना, सिक्योर नहीं करेगी। जो आप सीए करे हैं ना, सीए मतलब कम अगेन, वो पास नहीं हो तो कम अगेन, तो वो भी सुरक्षित नहीं करेगा। बोले आप मजाक करते? नहीं मजाक नहीं कर रहे हैं। सुरक्षा कहीं से नहीं आती। बुद्धि
भगवान तो किसी को पनिश जानते हैं, कैसे करते हैं, उसकी बुद्धि गड़बड़ कर देते हैं। कुंभकर्ण के सामने जब ब्रह्मा जी आए, कोई नींद मांगने की चीज है? नींद मांगते हो? शारदा जी उनके बुद्धि में चले गई, बोले नींद मांग लो। अरे नींद मांगने को तपस्या करता तो खुद ही आ रही थी। अगर भगवान आपको आपसे नाराज होते हैं तो आपके निर्णय को गलत कर देते हैं। और जब भगवान न हस्ते यष्टि माद आया देवा रक्षन्ति साधकः यम तु रक्षितुमिच्छन्ति सुबुद्ध्या नियोजयन्ति तम, एक सुरक्षा देते हैं। संत लोग के पास बस यही रहती है, संत के पास कृष्ण का सुख और कृष्ण की सुरक्षा और कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए, वो पेड़ के नीचे रह लेंगे, उनको सब तरफ सुरक्षा रहती है और सब तरफ सुख रहता है। उनके पास और कोई धनी नहीं है। और वही भगवान आपको पता है क्या बोलते हैं भागवत में एक जगह गोपियों से, न पारे हम निरवध संयुजाम स्वसाधु कृत विबुध आयुषावा। बोले गोपियों, अगर हम 1000 साल तक देवताओं का शरीर लेके तुम्हारी सेवा करें तो भी हम तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकते। वही पे हनुमान जी से राम जी बोलते हैं, ता तो ही उरण मैं नाही करूं मन विचार मन माही। बोले हम तुमसे उरण नहीं हो सकते। अरे ईश्वर बोलता ही है। वही कृष्ण भगवान जब उन्होंने मटकी तोड़ दिया उखल बंधन में, वही हाथ में ऐसे आंख ऐसे रोते हुए बोलते हैं, भगवान मां हमको माफ कर दो, हम नहीं करेंगे। वो क्षमा मांगते हैं यशोदा मां से कि हम नहीं करेंगे। ये जो ईश्वर का हमारे लिए होना, हमारे लिए स्पेसिफिकली होना है, इसी का नाम शरणागति है। इतना खींचा दुशासन ने द्रौपदी का कि साड़ी पूरा कमरा भर गया। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह संबंध बनाते नहीं। अरे बुला के देखो आप, संबंध बना के दे दो, हम कहां कुछ कह रहे हैं। जो बोला तेषां शक्ति 3 बार आया है गीता में, 1 12वें अध्याय में तेषां हम समुद्धरत आया है, तेषाम नित्याभियुक्त नाम 9वें अध्याय में आया है और 10वें अध्याय में आया है, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाशयामि, हम उसका ज्ञान नाश करेंगे। वो क्यों परेशान हो रहा है? नरसिंह मेहता की लड़की की शादी थी, पत्नी ने कहा सुनो घी ले आओ, घी खत्म हो गया है घर में, बारात आ गई है। वो घी के कनस्टर लेके गए, रास्ते में उनको दिखा बिठल 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 पांडुरंग बिठल हरि नारायण, पुरंदर बिठल हरि नारायण, हरि नारायण हरि नारायण। और वहां इमी नाचने लगे, नाचते नाचते इतने बेसुध हो गए। रात के 11 बज गया, उनको हाथ में देखा कनिष्ठ जो पत्नी ने मंगवाया हो ना लाओ, देख तो कितना डर लगता है। अब उनको जो धड़कन बढ़ी, डरते डरते घर में घुसे, पत्नी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ, ये कहां से कनिष्ठ ला रहे हैं? बोले गलती हो गई, हम भूल गए, भजन हो रहा था, नाचने लगे, हम नहीं ले आए, सब दुकान बंद हो गई है। उन्होंने कहा पागल हो गए हैं क्या, 6 बजे ले आए थे आप, कन्यादान कर दिया आपने, सब भूल जाते हैं आप, सो जाइए जाके। बोले कहां कन्यादान किया था? कहा यहां बैठे थे, जगह को प्रणाम किया, कहा सुनो जो घी लाए थे थोड़ा सा हमको दे दो, आपको नहीं पता है ईश्वर के। जिस दिन पता होती ना तुम भगवान को छोड़ के सबके पास नहीं जाते भाई।
संत के पास दो ही संपत्ति होती है, उसके पास ईश्वर के अलावा कुछ उसको अच्छा नहीं लगता है। कहीं से प्यार क्या करें, हो गया जो होना था प्यार। भगवान बुद्धि देते हैं, गीता में भगवान ने बुद्धि दी अर्जुन को। बुद्धि नहीं दिया, हम लोग बुद्धि नहीं दे रहे हैं, यही शरणागति है। उनकी अनंत प्यास को देख के आपकी अनंत प्यास आए, उसी प्यास में तृप्ति हो, दोनों अनंत प्यास मिले, उसके बाद वही प्यास और वही सुरक्षा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जगत हमारा पूजा केंद्र है, भोग केंद्र नहीं है। इट इज अ सर्विंग सेंटर, नॉट एंजॉयिंग सेंटर। जगत तो ईश्वर को प्रसन्न करने, हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं, आपके कान के थ्रू हमारे शब्द वहां पहुंच रहे हैं। भगवान ले लो आपके लिए। हरिओम। आरती करते हरिओम। आमच्या आजच्या आरतीचे यजमानास श्रीमती संध्या भांगी आणि घरची तांचे वतीन हांव श्री सुभाष नगरसेकरजी कडेन मागतां ताणें आरती करपा खातीर माचेर येवचे। तसोच आयचो प्रसाद बी शिवकुमार आणि फॅमिली हांणी स्पॉन्सर केल्लो आसा, आमी तांकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात। आमच्या बूक स्टॉलार गुरुजी पुज्य स्वामी तेजोमयानंदजीन बरयल्लें द गेम ऑफ लायफ, द आह विजडम बूक, स्तोत्रांचे अर्थासहित स्तोत्रमाला आणि आमच्या हिंदू संस्कृती बद्दल माहिती दिवपी वाय डू वी अशी पुस्तकां उपलब्ध असतात। तुम्ही जरूर आमच्या बुक स्टॉलार नदर मारची। देव बरे करू। ओम जय भगवद्गीते मैया, जय भगवद्गीते, हरि हिय कमल विहारिणी, हरि हिय सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद्गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्वज्ञान विकाशिनी, ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते, निश्चल भक्ति विनायिनी, निर्मल बलहारी मैया, निर्मल शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण सब विधि सुखकारी, राग द्वेष विनारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तमरजनी मैया, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसि आसजनी। ओम जय भगवद्गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, परिपद प्रेम दान कर, परिपद
गीते मैया जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवद गीते ओम जय भगवद गीते बोले श्री गीता मैया की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।